जिसने भी ये किया है आई थिंक उसके साथ अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। मैं अभी ढूंढ रहे हैं, देखते हैं। बट आप लोग थोड़ा सा मुझे समझो, मैं चाहती हूँ मेरी फीलिंग समझो, जिस सिचुएशन पे मैं हूँ मेरी जगह पे आके देखो कि मुझे कैसा लग रहा है, एक बार आप सोचना। Can you hear me? Yes. Hello. Hello. आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। क्या आवाज? Okay. So guys, अभी जो आपने वीडियो देखा था थोड़ी देर पहले निशा ने अपलोड किया था, all I want to say is कि अभी जो भी सिचुएशन है, whatever the situation is, yes, I can hear you. I can hear you. नॉर्मल इंसान नहीं है, इन्होंने मेरा केस देखा है तो उन्हें समझ आया है कि क्या है, क्या पूरे नेटवर्क प्रॉब्लम था आई थिंक। जिसको भी वो लिंक मिलता है प्लीज मुझे डीएम करो एंड रिपोर्ट करो, अगर बिलीव करते हो मुझ पे तो, अदरवाइज मैं इतना कुछ कहूंगी नहीं क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस हूँ एंड थोड़ा डिप्रेस भी हूँ, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, एक लड़की की पूरी लाइफ खराब हो सकती है इस चीज से, तो आप लोग सोच समझ के करना। मैं चाहती हूँ कि मेरा सपोर्ट करो, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है इतने टाइम से, तो थोड़ा और इस वक्त तो मुझे आप लोगों की जरूरत है इस टाइम पे, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा स्टैंड लो मेरे लिए। हाँ, उनका नेटवर्क इशू था आई थिंक, नेटवर्क प्रॉब्लम था। और गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से लाइव आके कि अभी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप डीएक्टिवेट कर रही हो आईडी एंड आप स्टोरीज नहीं पोस्ट कर रही हो, वीडियो नहीं डाल रही हो, तो मुझे भी नहीं पता था ये वीडियो के बारे में, मेरे को भी कल ही पता लगा, तो वो क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट किया है बट पता नहीं अभी क्या होगा आगे, तो साइबर वाले देख रहे हैं उन्हें, जो भी ये कर रहा है उसे ढूंढ रहे हैं। टेंशन तो नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन कल से वो वीडियो वायरल हो रही है, तो मैं जस्ट देख रही थी कि वो जो बंदा है क्या उसके घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या, इसको कोई नहीं है कि वो लड़की कौन है, क्या पता वो वीडियो वायरल कर रहा है तो उसके साथ क्या हो, वो डाले जा रहा है इधर उधर फेसबुक यहाँ वहाँ, उससे क्या होगा, लाइक मिल जाएंगे और यूट्यूब पे, यार मतलब फेमस होने के लिए आपको आप एक लाइक के लिए किसी लड़की की इज्जत को खराब कर सकते हो, व्यूज के लिए, यूट्यूब में व्यूज के लिए, बताओ ये सब ठीक है क्या, डॉन क्या है। हाँ मैं नहीं रोना नहीं चाहती, लेकिन इतनी बड़ी बात है कि रोना आ रहा है। हाँ मैं अभी चिल तो हूँ, लेकिन टेंशन तो होता ही है ना, एंड वो वीडियो के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता वो किसने किया है क्या किया है, मैंने जब खुद देखा मैं शॉक हो गई।
हेलो साइबर क्राइम में कंप्लेंट किया है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। साइबर क्राइम में कंप्लेंट तो किया है। ये क्या सिचुएशन है मेरी? सेफ रहो।